अस्सलाम वालेकुम शमसा सियार, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल हाइफीएबल अमेज़न पर। वी आर प्रोवाइडिंग द हाइफीएबल अमेज़न सर्विसेज टू अमेज़न सेलर्स। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, जिस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे, क्योंकि हमने जो है वो लिस्टिंग वगैरह के टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लिस्टिंग के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप जो है वो लिस्टिंग करते हुए ऑफ कोर्स जो है वो टाइटल लिखेंगे, बुलेट पॉइंट लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और हमने स्क्रिबल को यूज करते हुए लिस्टिंग अपनी बनाई थी। ठीक है, हीलियम टैन का एक टूल है स्क्रिबल, उसकी वजह से हमने लिस्टिंग बनाई थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की, इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्ग टेल कीवर्ड, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, देखें जब आप किसी भी शॉर्ट टेल कीवर्ड को उठाते हो तो उसके अगेंस्ट अमेज़न पर बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। ठीक है, और सर्च वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप बात करें नोज रिंग कीवर्ड की, ठीक है, जब आप इसको अमेज़न पे सर्च करोगे ना, इस पर बहुत ज्यादा लोग आते हैं। ठीक है, इस कीवर्ड पे, क्योंकि ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है और जाहिर है इसमें कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा होगा और कम्पीटिंग प्रोडक्ट्स भी इसके ज्यादा होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये है कि आप जब भी लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करेंगे तो अगेंस्ट उसके अगेंस्ट आपको सेल भी अच्छी आएगी। ठीक है, और उसमें कंपटीशन भी आपके पास कम होगा। ठीक है, तो आपने जो है वो उस चीज का ख्याल रखना है कि आपके पास जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को आप ज्यादा से ज्यादा टारगेट करो, उसे अपने टाइटल में यूज करो, बुलेट्स पॉइंट में यूज करो। ठीक है, उसके बाद उसको अपने डिस्क्रिप्शन में यूज करो, और उसके बाद बैकएंड सर्च टर्म में आप लोग जो है वो उनको उस इन कीवर्ड्स को यूज करो। देखिए, बैक एंड सर्च टर्म ऐसी सर्च टर्म होती है जो आपको सामने तो नजर नहीं आती, लेकिन लिस्ट के अगेंस्ट जो है वो आपकी लिस्ट पे जो है वो लिस्ट के बैक पे होती है। ठीक है, तो आप वो ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स यूज करें। ठीक है, टारगेट करें तो आपके रैंक होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ उसमें। फॉर एग्जाम्पल, amazon.com पे ये लिस्ट ओपन करें आप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिस्ट ओपन की, आप इसका जो है वो आप यहाँ से इसका एसन उठा लें, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, यहाँ से आप इसका एसन उठा लें, इसको कॉपी करें और यहाँ पे आप आए सेरिब्रो में। ठीक है, आप इसका एसन यहाँ पे पेस्ट करके गेट कीवर्ड कर दें। ठीक है, सेरिब्रो आपको रिजल्ट दिखाएगा। आप आपको बताऊंगी इसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है वो किस तरह आप यूज कर सकते हैं। अब आपको मैंने बताया कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम होने चाहिए। ठीक है, अगर कंपीटिंग प्रोडक्ट 1000 से अबव है तो उस पे रैंक करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप लॉन्ग टर्म कीवर्ड यूज करें और जिसमें कंपीटिंग प्रोडक्ट भी आपके पास कम से कम, फर्ज करें आप यहाँ पे कंपीटिंग प्रोडक्ट लिख दें 10 से लेकर आपके पास रेंज आनी चाहिए 500 की। ठीक है, पहले देखें आप इधर फिल्टर लगाने से पहले नीचे जाएं, ये आपको 2029 प्रोडक्ट दिखा रहा है। ठीक है, जब हम फिल्टर लगाएं ये देखें 2000 में से सिर्फ 200 प्रोडक्ट आपके पास रह गए। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, अब यहाँ पे कंपीटिंग प्रोडक्ट चेक करें, ये देखें 443, 392, 421 इस तरह करके। ठीक है, ये नोज रिंग आपके पास आ गया जिसमें ई साथ नहीं है। ठीक है, नोज रिंग जिसमें ई नहीं है उसके थोड़े से प्रोडक्ट है। ठीक है, देखें पैंडा नोज रिंग, ये आप इनको टारगेट करने से कंपीटिंग प्रोडक्ट भी कुछ 79 है। ठीक है, रस्टा नोज रिंग हो गया, नाइस्टा सिलिवरा। ठीक है, उसके बाद आप कोई फ्रेज यूज कर लें, कोई भी लॉन्ग फ्रेज। ठीक है, ये आपको प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। लाइक इसमें अगर आपको चार वाला कोई नजर आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें चार वाला कोई नजर आता है। ठीक है, कंपीटिंग प्रोडक्ट आपसे ये क्लोज नोज रिंग फॉर, अगर फॉर एग्जाम्पल में मैं लिखा हुआ, ठीक है, बेली बटन रिंग डॉग। ठीक है, जैसे ये कीवर्ड है, इसमें चार आपके पास आ रहे हैं, तो इसके पास आपको अगेंस्ट कंपीटिंग प्रोडक्ट जो है ना वो सिर्फ 114 है।
ठीक है, तो आपके रैंक होने के चांसेस आपके कंपेटिटर के मुकाबले में ज्यादा हो जाएंगे, तो लॉन्ग टर्म कीमत की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आप इन चीजों को जो है माइंड में रखें, ठीक है। ठीक हो गया, उसके बाद कीवर्ड साइंस भी आपके पास इसी में आ जाती है, ठीक है। कीवर्ड साइंस पे बात कर लेते हैं, जब आप लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करते हो, ठीक है, अपने बैक एंड में, टाइटल में, बुलेट पॉइंट में, डिस्क्रिप्शन में, तो आपके रैंक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, जो आपका कंपेटिटर है। फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, उसमें फॉर एग्जाम्पल लाइक नोज रिंग फॉर वीमेन है, ठीक है, उसमें आपके पास 30 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो उसको 1,000 लोग सर्च कर रहे हैं, तो आप वो वाला अपने टाइटल बुलेट पॉइंट की और डिस्क्रिप्शन वगैरह और बैक एंड में आप लोग अगर वो कीवर्ड यूज करेंगे जो कि लॉन्ग टेल है, ठीक है, तो आपके पास आपके चांसेस ज्यादा होंगे रैंक करने के, ठीक है, आप ज्यादा जल्दी रैंक करेंगे, तो आप अपने कंपेटिटर के अगेंस्ट जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी रैंक कर सकें, बजाय इसके कि आप ऐसे कीवर्ड उठा लें जिसके कंपीटिंग प्रोडक्ट 1600 1700 हैं, ठीक है, और छोटा सा कीवर्ड है, ठीक है, लाइक वो शॉर्ट टेल कीवर्ड है, तो उसमें तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा, आप की रैंकिंग बहुत मुश्किल से होगी, ठीक है, आपकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी पीपीसी में, तो पीपीसी में भी आप इस चीज का ख्याल रखें, ठीक है, कि आपने कीवर्ड्स को कैसे यूज करना है। बाकी पिछले जो लेक्चर है आप उनको गौर से देखें, ठीक है, जो आपको चीज समझ नहीं आती आपको मेट में पोस्ट करें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर मस्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी तरफ से मोटिवेशन होती है, एक आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है मेरे लिए, ताकि मैं आपके लिए मजीद अच्छा कंटेंट लेके आऊँ, ठीक है, मेरा टारगेट है सब्सक्राइबर जो है वो जैसे जैसे इंक्रीज होंगे, आपकी डिमांड जैसे जैसे इंक्रीज होगी, इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकल सेशन भी ऐड करूंगी, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकल सेशन चाहते हैं, ठीक है, तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।